गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है सैटरडे और अभी टाइम हुआ है 8 PM मॉर्निंग की, और आखिरकार आप लोगों के साथ आज रिवील करने वाली हूँ गुड न्यूज़। मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को बोल के रखा था कि कुछ गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, और मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ रिवील करूँगी। तो आज वो दिन आ गए, आज मैं आप लोगों के साथ रिवील करने वाली हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। तो ज़्यादा सस्पेंस मैं नहीं बनाती आप लोगों के साथ, बता देती हूँ अभी मॉर्निंग ब्लॉग के शुरुआत से ही आप लोगों को बता देती हूँ। गुड न्यूज़ है कि आज मेरे हस्बैंड यानी शिवन्ना की जो डैडी है वो इंडिया वापस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद वो आज इंडिया वापस आ रहे हैं और अभी कैब में है, अभी तक घर नहीं पहुंचे। 7:30 को मॉर्निंग के बेंगलोर एयरपोर्ट में लैंड हुआ है, उसने मुझे बोला अभी कैब में, और कोविड टेस्ट भी होगा, बट अभी कैब लेके वो आ रहे हैं। तो बहुत, मतलब ये खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है ना, जब ऐसे तो घर का अगर कोई आते ऐसे भी लगते हैं, बट हस्बैंड जब आते हैं और अब तब भी 1 ईयर के बाद हम लोग उनको मिल रहे हैं, क्योंकि 2020 में ही वो चले गए थे और शिवन्ना और मैं अकेले ही इधर अपार्टमेंट में रह रही थी इतने दिनों तक। ऐसे तो वीडियो कॉल में बात होते रहते हैं, पूरा दिन भर चलते हैं, बट तब भी वीडियो कॉल वर्चुअल, और जब रियल में आप मिलते हो तो कुछ अलग ही बात होते हैं। तो वही बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे आंखों में तो सूजन आ गई है, रात भर में सोई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ही फ़ोन करके करके और मैसेज करके मुझे यहाँ पहुँची, मैं अभी यहाँ लैंडिंग हुआ अभी, ये मैं बार बार मैं फ़ोन चेक कर रही थी कि कोई मैसेज तो नहीं आए, मैंने मिस तो नहीं कर दिया। और शिवन्ना भी लेट तक, ऑलमोस्ट 1 PM तक, 1 PM नहीं सॉरी 1 AM तक वो भी जगी थी कल, और दिन भर सोई भी नहीं, तो अभी पूरा सो रही है मैडम जी। तो आप लोगों को उसके साथ भी दिखाऊंगी, और वो भी बहुत एक्साइटेड है अपने डैडी से मिलने के लिए। बट एक बात है कि अभी तो कोरोना के कारण से क्वारंटाइन रोल है, तो वो क्वारंटाइन रहेंगे, हमारे अपार्टमेंट में ही रहेंगे बट सेपरेट रूम में वो रहेंगे। और शिवन्ना को, उनका भी एक दुख है कि शिवन्ना को गोदी नहीं ले सकते, वो कुछ दिन उनको वो रहना पड़ेगा आइसोलेशन में, और उसके बाद ही, और फिर से टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही वो ठीक हो जाएंगे। तो ये थोड़ा दुख है कि हम लोगों के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते अभी, बट तब भी घर में रहे वो ही हम लोगों के लिए बहुत है। तो आज इसीलिए मॉर्निंग में ही उठ के मैंने नहा लिया, हेयर वॉश किया, दिया वगैरह कर लिया, अभी शिवन्ना को जगाना है उसको भी, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि वो तो आने ही वाले हैं, और बेंगलोर एयरपोर्ट थोड़ा दूर होता है, बट आज वीकेंड है और ऐसे भी कोविड के कारण से, लॉकडाउन के कारण से सभी लोग वर्क फ्रॉम होम ही हो रहे हैं, तो इतना दूर भी, इतना वो टाइम भी कंज्यूम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आज। तो यही है, तो आज का दिन हम लोग की कैसे जाते हैं, और ज़्यादा मेरे हस्बैंड थोड़ा कैमरा शाय तो नहीं बोलूँगी, बट कैमरा में आना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, वो पहले भी बहुत ब्लॉग वहाँ से भी शेयर किया था स्विट्ज़रलैंड से, बट वो हमेशा बैक कैमरा में रहते थे। तो आज आएंगे कि नहीं पता नहीं, बट मैं ट्राई करूँगी उनको दिखाने के लिए, और कैसा हम लोगों के आज दिन जाए, मैं क्या उनके लिए स्पेशल आज बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे उनका फरमाइश था कि बहुत दिनों से किसी के हाथों का, मतलब खाना नहीं खाया, क्योंकि वो भी उधर खुद के लिए ही, खुद ही पकाते थे, तो ऐसे तो गुड कुक ही है, और मैं भी यहाँ हमेशा खुद के लिए पका के बोर हो गई, कोई खाए हमारे हाथ का खाना, कोई प्रेस करे वो अच्छा लगता है ना, और हस्बैंड के लिए। तो मैं आज उनके लिए क्या क्या स्पेशल बनाऊंगी, और हम लोग के आज के दिन कैसे जाएंगे, वही पे ही आज ये ब्लॉग होगा।
तो पहले आप लोगों को दिखाती हूँ शिवेंद्रा क्या कर रही है। वो सो रही है कितना सुकून से, रात को वो 1:30 बजे सोए हैं। दे दिया आएंगे इस खुशी में। तो चलिए फर्स्ट शिवेंद्रा को देख के आते हैं। तो ये रहा हम लोगों की शिवेंद्रा मैडम, पूरा सो रहे हैं और मैंने भी सोने ही दिया क्योंकि तब ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर, क्योंकि लेट से सोई थी वो मॉर्निंग में, और सॉरी रात को वो लेट से सोई थी। तो अभी मैंने सोचा अगर उसके डैडी आ जाए उसके बाद अगर वो देखेंगे तो और भी उसको अच्छा लगेगा, तो इसको सोने ही देती हूँ। और ऐसे सोने में बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं ना। और इतने दिनों से बेंगलोर में हमेशा मॉर्निंग में वो होता था, वो रेन जैसा हो रहा था, बट आज सनी सनी वेदर है। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं इसीलिए शायद, जस्ट जोकिंग। तो हम लोग की आज के दिन कैसे हम लोग करते हैं, आप लोग कनेक्टेड रहिए हमारे ब्लॉगों के साथ। तो अभी के लिए बाय, कनेक्टेड रहिए। ब्रेकफास्ट तैयार हो गई है, एकदम सिंपल ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने। सिर्फ एक और ब्रेड के साथ टोस्ट बनाया है, बनाना और स्वीट्स एंड जिंजर टी, क्योंकि हस्बैंड को ट्रेवल करके आने के बाद इतना हैवी नहीं खाना था तो थोड़ा लाइट ही मैंने बनाया है। ये देखिए शिवेन्ना ब्रेकफास्ट कर रही है, से हाय। हाय शिवेन्ना, सरप्राइज क्या है आज? सरप्राइज क्या है शिवेन्ना आज हमारे घर में? डैडी सरप्राइज है, आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना। yes. हाँ कैसा लगा शिवेन्द्रा को, कैसा लगा डैडी को मिलकर? हाँ बहुत अच्छा लगा, बोलो गुड। गुड ही, सिर्फ गुड, बहुत अच्छा लगा ना। कितना 1 ईयर के बाद डैडी को मिल रहे हैं ना शिवेन्द्रा। yes. हाँ बट डैडी को टच करना है क्या अभी? ना। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वारंटाइन में रहना है ना, डैडी को ट्रेवल करके आए है ना। हाँ थोड़ी दिन डैडी को आइसोलेट रहना है ना शिवेन्द्रा। अभी शिवेन्द्रा कर रही है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेड टोस्ट एंड मिठाई है ना। यस शिवेन्द्रा बहुत एक्साइटेड है। हाय आपके जर्नी कैसा था? जर्नी गुड था ना। तो हम लोग अभी ब्लॉग दिखाते रहेंगे, और अभी लंच बनाना है। लंच में कुछ स्पेशल बनाऊंगी ना शिवेन्द्रा। डैडी के लिए क्या स्पेशल है आज शिवेन्द्रा लंच में? क्या लाए हैं मम्मी? मटन। डैडी स्पेशल मटन बनेंगे ना आज। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी लंच की टाइम है और शिवेन्द्रा मुझे हेल्प करने के लिए आ गए हैं। आज स्पेशल लंच बनेंगे डैडी स्पेशल ना। और लंच के लिए मैंने फर्स्ट ये दाल बॉईल करके रखा है, मसूर की दाल, उसको जस्ट छोका लगाना बाकी है। और साथ में ही आज बनेंगे डैडी स्पेशल मटन करी। मैं रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मटन करी की जो रेसिपी है वो बहुत बार मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे, जस्ट छोटा छोटा क्लिप ऐड करते जाऊंगी। और बाद में शिवेन्द्रा के लिए डैडी ने क्या लाए हैं वो भी दिखाना है ना। yes. क्या लाए हैं? अभी तक शिवेन्द्रा ने भी नहीं देखा क्योंकि सैनिटाइज करना है, बट एक सीज देखा, लॉट्स ऑफ चॉकलेट है ना। yes. शिवेन्द्रा बहुत खुश है तो वो मुझे हेल्प करने के लिए आ गई है थोड़ा।
तो अभी हम लोग बना लेते हैं लंच, यम्मी यम्मी लंच ना। यस। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलती हूँ। फर्स्ट दाल में चोका लगाना है, उसके बाद मटन का। गॉड ब्लेस यू। हम लोग की लंच तैयार हो गई है और ये है मटन करी, दाल, बासमती राइस, सलाद और लेमन। तो अभी हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ और कुछ दिखाना है शिविन्ना के लिए, उसके दीदी क्या लाए हैं, तो कनेक्टेड रहिए। और शिविन्ना खेल रही है दूर दूर से ही। हेलो एवरीवन, लंच के बाद फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ और ब्लॉग एंड करने के लिए। और मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कुछ चीज़ें दिखाना है शिवेन्द्र के लिए, डैडी क्या लाए हैं, है ना। और लंच बहुत ही यम्मी था, मतलब हस्बैंड को इतना मज़ा आया ना, वो मांग मांग के खाया क्योंकि वो भी लगभग 1 ईयर से खुद ही पका पका के खा रहे थे। और मैं भी अकेले ही बना के खाती हूँ तो कोई अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। तो आज की लंच ना एकदम यम्मी थी, मतलब मटन करी बहुत ही टेस्टी बना। और खा पी के हस्बैंड सो गए क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी थी, हेक्टिक मतलब जर्नी थी। और तो जर्नी भी मैं थोड़ा शेयर करूँगी, उन्होंने कुछ क्लिप लेके आए हैं कि कैसे पेंडेमिक में ऐसे जर्नी करते हैं, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। और अभी दिखाती हूँ शिवेन्ना के लिए डैडी क्या गिफ्ट लाए हैं। शिवेन्ना ने भी आज बहुत अच्छे से लंच किया है ना मटन करी के साथ। और शिवेन्ना के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे चॉकलेट लाए हैं, शिवेन्ना के लिए ही नहीं, शिवेन्ना के यहाँ आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सभी के लिए लाए हैं। और साथ में ही कुछ कपड़ा लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाए, मैंने ही उनको बोला था कि ज़्यादा लाने की फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर साइज़ वगैरह यहाँ तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बट वहाँ से लाने के बाद अगर क्योंकि इतना जल्दी बढ़ जाते हैं और शिवेन्ना अभी बहुत ग्रो हो रहे हैं फर्स्ट, तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को बोला है कि ज़्यादा मत लाना। मैंने माना ही किया था क्योंकि मैंने खरीदा ही है ऑलरेडी, बट पापा की प्यार ना बेटी के लिए, तो लेके आए। और एक थैली में टी शर्ट दिखाती हूँ, ये देखिए शिवेन्ना की क्यूट सी टी शर्ट, ये पापा ने लाए है ना, डैडी ने लाए है, ये मिकी माउस की, मिनी माउस ना शिवेन्ना, मिनी माउस की टी शर्ट। ये सेकेंड वाला भी बहुत ही क्यूट थी, ये किसका, ये भी मिनी का ही, शिवेन्ना मिनी का बहुत बड़ा फैन है तो शिवेन्ना के लिए सभी मिनी मिकी सभी लाए है ना। ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, देखिए है ना, कॉटन का है। और लास्ट भी मिनी का ही है कि मिकी का, मिकी और मिनी कौन है पता नहीं, ये कुछ
रानी कलर की है और पोलका डॉट जैसे है बीच बीच में, ये भी मिनी मिकी ओ है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। और इसके अलावा और कुछ लाए हैं शिवेन्ना के लिए है ना डैडी ने, मैंने तो उस दिन उसको दिया ही था। और ये प्यारा सा सनग्लास पहना के दिखाओ शिवेन्ना। मैंने मना किया था बट उन्होंने जोर जबरदस्ती लेके आए कि लाऊंगी मैं। तो कैसा लगा सनग्लास? गुड। तो ये थी शिवेन्ना की ड्रेस, बहुत कम लाए हैं बट अच्छा खासा लाए, मतलब अच्छा लगा मुझे ड्रेस। और यही थी हम लोगों की आज की ब्लॉग, और हम लोग बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी है, आप लोग देख के ही अब हमारे चेहरे पे वो रौनक दिख गया है, और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। बट एक बात है कि हम लोग मिल नहीं सकते, मतलब वो क्वारंटाइन है, आइसोलेटेड करके रखा है वो खुद को हमसे। बट अच्छा लगा कुछ दिन बाद ऐसे भी उन्होंने टेस्ट किया, वहाँ ज्यूरिख में भी टेस्ट किया, और आने के बाद बेंगलोर एयरपोर्ट में भी टेस्ट किया है, रिपोर्ट नहीं दिया अभी तक, निगेटिव ही आएंगे शायद। और कैसा लगा हम लोगों की ये ब्लॉग आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट हम लोगों की बहुत सारे ट्रेवल ब्लॉग आने वाले हैं, आप लोग कनेक्टेड रहिए हमारे ब्लॉगों के साथ है ना, हमारे वीडियो के साथ। तो फिर मिलते हुए हम लोग की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी बाय।